झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट पास कर गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़ा है। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि फ्लोर टेस्ट के बाद आज शाम में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों के हंगामे पर कहा कि मुझे पुनः देखकर इनका आचरण दिख रहा है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनको जवाब देने के लिए हम काफ़ी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको चेहरा दिखा दिया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चपई सोरेन ने निर्भीक होकर सरकार चलाई, नहीं तो बीजेपी के लोग तो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, अभी ये लोग ऐसी संस्थाओं के संपर्क में हैं। वहीं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों को समय आवंटित किया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा, विधानसभा अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि पहले जेएमएम को बोलने दिया जाए ताकि हम सबका काउंटर कर सके। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सीपी सिंह के खड़ा होने पर भी आपत्ति जताई। वहीं चपई सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश गरीब प्रदेश नहीं है, हर किसी ने प्रयास किया यहाँ की जनता के विकास का, लेकिन ये नहीं हो सका, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। राजनीतिक लोकतंत्र में पार्टी का निर्णय और गठबंधन के निर्णय के साथ चलना पड़ता है। झारखंड प्रदेश केंद्रीय एजेंसी का प्रयोगशाला बन गया है, कानून रहते हुए ऐसा क्यों हुआ, ये विचाराधीन विषय है। 5 साल के जनादेश में फिर एक बार आज विश्वास मत प्रस्ताव किया गया है। हमारी मांग है कि सरना धर्म कोड मिले, आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमर बाउरी ने हेमंत सोरेन को सदन में एक बार फिर से आने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सरकार पूरी कैबिनेट के साथ सदन में बैठती। उन्होंने हेमंत सोरेन की ओर से इशारा करते हुए कहा कि आपके विधायकों पर कंट्रोल नहीं है, मंत्री पद लॉलीपॉप की तरह है। अमर बाउरी ने कहा कि बेरोजगार भत्ते की बात कही थी, ये युवाओं को ठगने वाला है। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा भी उठाया, सहायक पुलिसकर्मी आज भी उसी मांग पर धरने पर बैठी है। ठग कर रही सत्ता में आई है, इस राज्य में 4 माह से लोगों को पेंशन नहीं मिली। उन्होंने पीजीटी सहित परीक्षा के मामले को भी उठाया। उमर बाउरी ने कहा कि जो ब्लैक लिस्टेड है उस एजेंसी से परीक्षा ली गई है, इस राज्य में नौकरी को बेचने का काम हुआ है।